मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने फाइव आइडेंटिटी डिस्कस किया था। अभी टुडे सिक्स नंबर, देखो स्क्वायर वाली कंप्लीट हो गई, अभी क्यूबिक वाली आएगी। नंबर सिक्स इन ब्रैकेट ए प्लस बी होल क्यूब, क्यूब है बेटा, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 AB in bracket A plus B। देखो बेटा क्यूबिक आइडेंटिटी, होल क्यूब है, ठीक है बेटा, एक्सपांड A plus B होल क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB in bracket A plus B। अब ओपन द ब्रैकेट इक्वल टू बेटा क्या, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस मल्टीप्लाई करो बेटा 3A square B plus 3AB square। क्लियर हो रहा है? सिक्स नंबर a plus b whole cube, a cube plus b cube plus 3ab in bracket a plus b, जो आपको इजी लगे बेटा ab याद रखो, ab बाद यार उसको रिमाइंड बना ब्रैकेट ओपन कर देना। नाउ नंबर 7 इज a minus b whole cube इक्वल टू a cube minus b cube minus 3ab in bracket a minus b, a cube minus b cube minus 3ab in bracket a minus b equal to a cube minus b cube multiply करो बेटा minus plus minus 3 a square b। अब now minus minus plus 3 b square, is it clear बेटा? ये cubic a plus b whole cube है, यहाँ पे बेटा a minus b whole cube, a cube minus b cube minus 3 b in bracket a minus b, मतलब bracket open कर दो, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा क्यूबिक। अब नाउ राइट द फॉलोइंग क्यूब्स, क्यूब है बेटा उसको एक्सपांड करना है वन बाय वन। नाउ नंबर फर्स्ट इज अ 2x + 1 होल क्यूब, एंड 2x इज अ स्मॉल a एंड नाउ b इज अ 1 इक्वल टू a क्यूब, लेट 2x होल क्यूब प्लस b क्यूब मींस 1 क्यूब प्लस 3ab 3 into a 2x b means 1 in bracket a plus b then 2x plus 1 a cube plus b cube plus 3ab in bracket a plus b equal to 2 cube beta 2 to the power 4 to the 8 then 8x cube plus 1 3 to the plus 3 to the 6x in bracket 2x plus 1 equal to 8x cube plus 1 plus 6 to the 12 plus 12 x into x is x square plus 6x into 1 plus 6x, is it clear? अभी रियल्स करना है बड़ा 8x cube plus 12x square equal to 8x cube प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, क्लियर हो गया बेटा? a प्लस b होल क्यूब, a प्लस b होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, सॉरी बेटा a प्लस b होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, ओके क्लियर बेटा? नाउ नंबर 2 in bracket 2a minus 3b whole cube, but 2a minus 3b beta to a minus b whole cube, a minus b whole cube equal to 2a cube minus, देखो यहाँ पे minus है बेटा, minus b cube means 3b cube plus, अब देखो बेटा यहाँ पे a cube minus b cube, यहाँ पे देखो minus है, देखो plus गलती से भी मत करना, minus sign 3 a means in bracket 2a, b means 2ab, ठीक है बेटा, क्या है यहाँ पे 3b in bracket a minus b that 2a minus 3b, 2a minus 3b equal to 2a cube तो 4a cube minus 3 का cube बेटा देखो, sorry 2 का cube बेटा तो 8a cube आएगा, 2 to the 4 to the 8, अब यार 3 cube है 20, 3 3 3 9, 9 3 27, 27 b cube minus 3 to the 6,
3 2 जा 6 6 3 जा 18 18 ab ब्रैकेट 2a माइनस 3b इक्वल टू 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब देखो बेटा यहां पे माइनस प्लस माइनस 18 2 जा 36 36 a स्क्वायर b। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18 3 जा 54 ab स्क्वायर। हो गया अपना फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ नंबर थर्ड। नंबर थर्ड इज अब देखो a प्लस b होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b a माइनस b होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। फर्स्ट सेकंड क्लियर। नंबर थर्ड। थर्ड वन इज अब 3x अपॉन 2 प्लस 1 होल क्यूब। तो 3x अपॉन 2 प्लस 1 होल क्यूब बढ़ाएं a प्लस b होल क्यूब a प्लस b होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब विच आई रिमेंबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3 b स्क्वायर। तो फर्स्ट वन इज 3 बाय 2 बढ़ा स्मॉल a एंड स्मॉल b इक्वल टू 3x बाय 2 होल क्यूब प्लस b क्यूब मींस 1 क्यूब प्लस 3 into a, 3 into a means 3x upon 2 into b means 1 in bracket a plus b then 3x upon 2 plus 1। हो गया clear बेटा a cube plus b cube plus 3ab in bracket a plus b equal to 3 cube 3 is a 9, 9 is 27 27x cube upon 8 प्लस 1 क्यूब इज 1 3 3 इज 9 प्लस 9x अपॉन 2 इन ब्रैकेट 3x अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू 27x क्यूब अपॉन 8 प्लस 1। देखो बेटा इसके साथ तो देखिए 9 3 इज प्लस 27x स्क्वायर x इनटू x अब 2 2 इज 4 प्लस प्लस क्या है अपना 9x अपॉन 2 इज इट क्लियर। 27x क्यूब अपॉन 8 प्लस 1 प्लस 27x स्क्वायर 9 इज 27x इनटू x स्क्वायर और 2 टू जा 4 प्लस 9x अपॉन 2 क्लियर बेटा। थर्ड नंबर। नाउ नंबर 4। नंबर 4 देखो बेटा a माइनस b होल क्यूब दिया आपको ठीक है। तो a माइनस b a तो a माइनस b में क्या करोगे बेटा a माइनस b होल क्यूब तो a क्यूब ना नंबर 4 इन ब्रैकेट x माइनस 2y अपॉन 3 होल क्यूब इक्वल टू फर्स्ट a एंड नाउ b इक्वल टू बेटा x a माइनस b होल क्यूब a क्यूब तो नाउ x क्यूब माइनस 2y अपॉन 3 होल क्यूब प्लस देखो माइनस से बड़ा तो यहाँ पे माइनस ध्यान देना 3 इनटू a इनटू b 2 y अपॉन 3 इन ब्रैकेट x माइनस 2 y अपॉन 3 इक्वल टू x क्यूब माइनस 2 y क्यूब ले 8 y क्यूब अपॉन 3 क्यूब 3 का क्यूब रहा 27। देखो बड़ा मल्टीप्लाई देखो मल्टीप्लाई कट हो गया ठीक है 3 3 काट माइनस साइन। अब क्या होगा बेटा 2xy 2xy ब्रैकेट x माइनस 2y अपॉन 3 इक्वल टू x क्यूब माइनस 8y क्यूब अपॉन 27। देखो मल्टीप्लाई कर लो बेटा माइनस 2x स्क्वायर y और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 x y स्क्वायर अपॉन 3। हो गया क्लियर बेटा। नंबर 4 क्लियर। अब देखो बेटा 3 a माइनस 2 b होल क्यूब है ठीक है ले a माइनस b होल क्यूब। नाउ नंबर 4 क्लियर हो गया। फिफ्थ नंबर। नेक्स्ट नंबर इज फिफ्थ।
थोड़ा फिफ्थ नंबर ये हो जाएगा, देखो फिफ्थ नंबर ये ओमवार में लगा भी ए माइनस बी होल क्यूब, देखो नंबर 2 जैसा ही है, 2a माइनस 3b है, यहां पे 3a माइनस 2b है, ठीक है फिफ्थ नंबर। और a माइनस b देखो 6 और 7 कर रहे हो कि सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर क्या है भाई, ब्रैकेट 1 अपॉन x प्लस y अपॉन 3 होल क्यूब, ले a प्लस b होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब, तो 1 अपॉन x होल क्यूब प्लस b क्यूब y upon 3 whole cube plus 3 into a 1 upon x to y upon 3 in bracket 1 upon x y upon 3 a cube b cube plus 3ab in bracket a plus b equal to 1 upon x cube 1 का cube 1 ही रहेगा बेटा plus y cube upon 3 cube is a 27 देखो बेटा 3 3 cut हो गया मल्टीप्लाई बेटा 1 into y plus y upon x in bracket 1 upon x and y upon 3 equal to 1 upon x cube plus y cube upon 27 मल्टीप्लाई करो बेटा प्लस है तो प्लस y into 1 y upon x into x is x square plus y into y is a y square upon x into 3 is a 3x is answer 6 number. Now 7 number next. Okay, 4 minus 1 upon 3x whole cube equal to a minus b 4 cube minus b 1 upon 3x whole cube a cube minus b cube minus 3ab minus 3 into a into b. Now in bracket a minus b the 4 minus 1 upon 3x 4 cube 4 for the 16 16 4 are 64 64 minus 1 upon 3 cube 27 x cube देखो बड़ा 3 3 cut minus sign 4 1 जा 4 upon x 4 1 जा 4 upon x in bracket 4 minus 1 upon 3x तो उड़ा कट हो गया 3 3 अब नाउ इक्वल टू 64 माइनस 1 अपॉन 27 x क्यूब देखो बेटा यहां पे माइनस साइन 4 पर जा 16 अपॉन x इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 1 जा 4 अपॉन x इनटू 3x ये 3x स्क्वायर इज इट रे बेटा 6 एंड 7 नंबर क्या था बेटा क्यूबिक एक्सपान फॉर्म ठीक है तो फैक्टराइज जब बड़ा एक्सपांड कर रहे हैं हमने a plus b whole cube b cube plus b cube plus 3ab in bracket a plus b अब देखो बेटा यहां फैक्टराइज करना है आपको a cube plus b cube plus 3 square b plus 3ab square है तो कौन से फैक्टर होते हैं वो फाइंड करना है ठीक है बेटा रिवर्स बेटा उल्टा फैक्टराइज और एक्सपांड तो 1 बाय 1 द फर्स्ट वन क्या है बेटा नंबर फर्स्ट a d cube plus b cube plus 12 a square b plus 6 a b square equal to the product a d cube a cube or b cube a cube b cube plus 3 a square a cube plus b cube plus 3 a square b plus 3 b square the first 2 a cube that 2 a whole cube plus b cube is b whole cube plus 3 bracket 3 a b 2 a into b in bracket 3ab in bracket a plus b let 2a plus b is it clear a cube plus b cube plus 3ab in bracket a plus b देखो लोग क्या बोला a plus b whole cube a cube plus b cube plus 3ab in bracket a plus b तब देखो बोला कि a cube equal to a cube b cube 3 square b plus 3 b square बड़ा तो किसका क्योंकि a plus b whole cube so now 2 a plus b whole cube is it clear देखो check कर ले बड़ा देखो 2 cube a d cube plus b cube plus 3 2 जा 6
3 2 6 ab into beta 3 2 6 6 2 12 a square b इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल गया बेटा 3 2 6 ab square 6 ab square तो क्या हुआ 2a plus b whole cube फर्स्ट वन क्लियर नंबर 2 नंबर 2 ब्रैकेट ad cube minus b cube minus 12 a square b plus 6 ab square equal to that ad cube 2a 2a whole cube minus minus से बड़ा था a minus b a cube minus b cube तो b whole cube minus 3ab a means 2a b means बड़ा b 3ab in bracket a minus b let 2a minus b तो now equal to answer is 2a minus b whole cube check करो बड़ा के 3 2 6 6 2 12 12 a square b माइनस माइनस प्लस 3 6 a into b into b ठीक है बेटा अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ तो आपका आंसर मिल जाएगा ए ओके क्लियर लेट 2a माइनस b होल क्यूब ठीक है बेटा के 2a प्लस b होल क्यूब देखो या 2a प्लस b 2a ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट में 2a प्लस b 2a प्लस b लेट 2a प्लस b होल क्यूब फैक्टराइज फर्स्ट क्लियर नंबर 2 क्लियर नंबर 3rd देयर वर 27 नंबर 3rd के 27 माइनस 125 क्यूब माइनस 135 के प्लस 225 ए स्क्वायर देखो 27 बराबर का क्यूब 3 क्यूब माइनस 5 ए होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखो माइनस साइन माइनस 3 इनटू ए इनटू बी ले 3 एबी इन ब्रैकेट ए माइनस बी 3 माइनस 5 equal to a cube da to 3 minus b cube da 5a ka whole cube ho gaya beta 3 3 da 9 9 5 da 45 45 3 7 35 minus dekho beta plus minus 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 plus 2 2 5 kare ko beta a into a equal to a square third clear now number 4 64 a cube minus 27 b cube beta dekho ye kar dena easy beta ho jayega number 4th wale jo number pe kar dena 64 a cube minus 27 b cube बेटा तो 64 a power a minus 3b whole cube minus 3ab in bracket a minus b number 4 number में बेटा number 5 number 5 number बेटा number 5 में क्या है कि 27 27 b cube minus 1 upon 216 minus 9 b square upon 2 plus p upon 4 देखो बेटा 3p 3p का क्यूब इक्वल 27 b क्यूब बेटा 3 क्यूब प्लस 3p होल क्यूब माइनस 6 6 जा 36 36 6 जा 216 6 का क्यूब है बेटा तो 1 upon 6 होल क्यूब ले a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a 3p b 1 upon 6 इन ब्रैकेट 3p minus 1 upon 6 a cube minus b cube minus 3ab in bracket a minus b देखो बेटा मल्टीप्लाई कर दो आपको कि 9p square by 2 मिलेगा ठीक है 3 2 जा 6 कट हो गया बेटा तो 3 3 जा 9p square upon 2 देखो minus minus हो जाए plus हो जाएगा ठीक है कट हो जाएगा बेटा सब कि 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 2 जा 6 तो 2 2 रहेगा p upon 4 तो now equal to 3p minus and minus 1 upon 6 whole cube is it clear बेटा fifth number now 6 and 7 number 6 number 6 1 minus 64 a cube minus 12 plus 48 a square तो ये बड़ा in bracket a minus b ले a cube 1 cube a cube minus b cube 4 a cube minus 4 a 1 cube into 3 into a b a in bracket 4 a 1 minus 4 a देव a cube 1 cube minus 64 a cube देखो बेटा माइ 3 4 12 12 ही माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा
12 4 जा 48 इक्वल टू 1 माइनस 4 ए होल क्यूब इज इक्वल नंबर 6 नाउ नेक्स्ट नंबर 7 7 नंबर 8 पी क्यूब प्लस 12 पी स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 6 पी अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन 125 अब देखो बेटा 8 पी क्यूब तो है 2 पी का क्यूब पर यहां पे दूसरा क्यूब आपको फाइंड करना पड़ेगा देखो 1 अपॉन 20 देखो इधर 12 पी स्क्वायर अपॉन 5 तो क्यूब नहीं 6 पी अपॉन 25 पर वो अपॉन 25 बेटा 1 अपॉन 25 किसका 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब है એટલે 1 अपॉन 5 होल क्यूब इक्वल टू 2 पी क्यूब इससे पहले बेटा रीअरेंज कर लो तो आपको इजी रहेगा 8 पी क्यूब इक्वल टू 8 पी क्यूब प्लस 1 अपॉन 125 प्लस 12 पी स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 6 पी अपॉन 25 इक्वल टू बेटा इन ब्रैकेट 2 पी होल क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a a मींस 2p b मींस 1 अपॉन 5 इन ब्रैकेट 2p प्लस 1 अपॉन 5 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b देखो बेटा 3 2 जा 6p 6p इनटू 2 तो क्या है 6 2 जा 12p स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 3 2 जा 6 p अपॉन 5 5 जा 25 इक्वल टू फाइनल आंसर इज 2p प्लस 1 अपॉन 5 होल क्यूब क्लियर हो गया बेटा 6 नंबर और 7 नंबर आइडेंटिटी a प्लस b होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर a माइनस b होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b तो माइनस माइनस देखो मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर